उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना समसवा क्षेत्र के गांव बांगुरी में बुजुर्ग की जमीन पर दबंगों का कब्जा। पीड़ित बुजुर्ग न्याय के लिए परिवार समेत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। आपको बता दें कि यूपी के जनपद आगरा के थाना समसवा क्षेत्र के गाँव बांगुरी के रहने वाले रामचरण सिंह पुत्र ग्रंथ सिंह की जमीन पर गाँव के ही रहने वाले युवराज पुत्र भानु प्रताप ने कब्जा कर लिया। पीड़ित ने बताया कि मामले की शिकायत थाने में की गई, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज पीड़ित न्याय के लिए परवास समेत जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और जिलाधिकारी महोदय को संबंधित पत्र सौंपकर दबंगों से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए गुहार लगाई है। नाम मेरा बांगड़ी से मेरी जमीन साहब उपराज ने और जबरदस्त घेर लीजिए और गुंडागिरी दी दिखावत हो मारपीट की वो कत्तो है बच्चन मरवा देंगे यूँ पकड़वा देंगे दिक्कत देंगे ठाकुर है समझावा थानो है। तो आप थाने पे गए थे? हाँ हाँ गए। महूते जो कह दे के वो भूले गया हो निकल भर ले गया वो बामे स्टे ले गया हो और डीएम पास आए तो साहब और बिने यो कह दे के मैं सब चाल मिलेगी तो बांगुरी से आज आप कलेक्टिव हैं क्या मामला है? हमारी जमीन का मामला है। कहाँ का मामला है? बांगुरी। क्या मामला बताओ? हमारी जमीन थी एक बीघा पक्के, उसमें से हमने तीन बीसे हमारे पिताजी हैं इन्होंने मतलब दान में दी थी सरकार को, मतलब उसके लिए ग्राम समाज के लिए, और तीन बीसे हमारी जगह थी उसमें वो युवराज सनो भानु प्रताप मतलब वो बना रहे हैं मकान बना रहे हैं जबरदस्ती ठाकुर हैं। कितने लोग हैं? कौन कौन है? खाली युवराज ही है। क्या कहते हैं वो लोग? उन्होंने दबंगी से मतलब मकान बना रहे हैं गुंडागर्दी से, और ग्राम समाज की जगह दी थी उसमें भी वो बना रहे हैं। पहले भी जमीन लोग कब्जे कर रखा है? नहीं अभी किया है, पाँच छः महीना हो गए जब से वो भक्त हम कलेक्ट्री और कहीं पे भी जा रहे हैं मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब के पास आज किससे मिले आप? किससे मुलाकात? डीएम साहब के पास में ही उनके पास में कोई बैठे थे अधिकारी, उनसे बात हुई। कौन से थाना लगता? समसाबाद। थाने गए थे आप लोग? हाँ थाने भी गए। क्या बोला उन्होंने? वहाँ से जैसे हमने जाके कही तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि उसके लिए वो लेके आओ क्या है अरे वो स्टे लेके आओ और तहसीलदार के पास तहसीलदार है वो हमसे उनकी सीधी बात करते हैं। क्या कहते हैं तहसीलदार? कहते हैं कि मतलब चाहे नखलऊ जाओ चाहे कहीं पर भी जाओ मंत्री के पास जाओ किसी के, लेकिन यहाँ से कोई काम नहीं होने देंगे। अब डीएम साहब के पास आए क्या आश्वासन दिया उन्होंने? अब उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि मतलब तुम्हारे पास मैसेज आ जाएगा।